What's up guys, हम है आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस ये मैं कुछ तो नवाज देख रहा हूँ, हमको कोई आइडिया नहीं था ना इसका, मतलब कोई टिचकी थी हमको, कुछ नवाज दिख रहा है एकदम अलग ही। अपने लिस्ट में दिख गया, बोला यार ये क्या आ गया एकदम से, पापा बोला अब तक मैं गाने रिव्यू कर रहा हूँ, गाने रिव्यू कर रहा, ये क्या नवाई चाह गया है भाई का। तो बैड एस रवि कुमार, टाइटल अनाउंसमेंट एंड टीजर, ठीक है, हिमेश रेशमिया, हाँ क्या बात है। तो मूवी वापस द एक्सपोज जैसा मूवी भाई का आने वाला है, मतलब ठीक है, तो देखते हैं सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम ये करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, हाँ न हो तो चैनल को शेयर भी कर देना, तो पब्लिक को बेहतर चलेगा। इसके बारे में कैसे पता नहीं था यार अपने को, तो पता नहीं एकदम से कहां से आ गए। चलो ठीक है, देखते क्या है क्या नहीं, देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो देखते हैं और आगे की बात में करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, पब्लिक। और आपको इसमें क्या पसंद आया जरूर कमेंट, जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, तो अपन बता सके कुछ। लगा रे वाह, स्टार्टिंग ही इतना खतरनाक। 50-50 कोस दूर जब कोई हरामजादा अपनी हरामी के लिए दिखाता है, तो उसके अंडर पंडर बोलते हैं सुधर जा, नहीं तो रवि कुमार आ जाएगा। हिमेश का स्टाइल है ये पूरा। क्या हो? ओके। तूफानों से खेल रहा है रवि कुमार। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। अच्छा ओके, तो मैं बीच में रोक देता हूँ, मैं आपको एक बात देता हूँ कि ये गाना जो है ये जुम्मे की रात, मेरे को ऐसा लग रहा था अभी सलमान भाई ने कहा, और ये गाना चलेगा भी, जितना भी अभी मैं सुन रहा हूँ तो पूरा आएगा, तो मैं बता रहा हूँ चलेगा, पब्लिक पसंद करेगी। गुजराती आदमी भोजपुरी कब से बन गया? तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा। खतरनाक साहब, आई हेट नेगेटिविटी, बिल्कुल, एंड यू आर वेरी नेगेटिव, बिल्कुल। अरे क्या मारो, क्या एक्टिंग है यार। ओहो, अरे बाप रे, बेकार भी है, वे भी है, अच्छा भी है। चलो ठीक है, बढ़िया। स्टोरी भी बेच रहे थे, हाँ नाइस। चार नवंबर को वन डे को एक केजीएफ, फुल केजीएफ का डील है उसमें। क्या हो गया ये? हो गया, खत्म भी हो गया पक्का। हाँ खत्म हो गया, पक्का खत्म हो गया। तो या क्या मतलब, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, मतलब
क्या मतलब, अगर मैं दिल से अगर एक बात बताऊं तो पहले आजकल VFX का बहुत गंदा नजारा चल रहा है, आप समझ सकते हो ये बात, ठीक है। जैसे कि दो तीन मूवीज के अपने अपन ने ट्रेलर देखे, उसके VFX में कितने उंगलियां उठ रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं अगर जेन्युइन बोलूं तो इसका VFX तो और ही बेकार है, मतलब समझ रहा है प्रॉपर। हाँ, थोड़ा एक रियलिस्टिक लगा तो जैसे गानों के बहुत अच्छे VFX कर रहे हैं यार हिमेश भाई, है ना। गाने का अब भी जो है क्या VFX बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया, बहुत एकदम परफेक्ट दिख रहा था, ठीक है गाने के हिसाब से। इधर थोड़ा मतलब मीनिंग है पर थोड़ा लेस है, थोड़ा लेस है। बाकी वो गाना अच्छा है, जो भी बीच में आया था, बीच में गाना आया था वो अच्छा है, म्यूजिक अच्छा चल रहा था, BGM अच्छा चल रहा था। एज जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर है वही समझ सकता है कि हाँ किधर क्या कैसा मांगता है क्या नहीं, बट बाकी ठीक है। देखने के बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या देखते हैं अभी क्या है। तो बाकी कंफ्यूज तो हूँ मैं, तो आपको पता है मैं बात करता हूँ न, तो क्या वो क्या डायलॉग था वो उतना मैं वो एक्सपोज क्या बीच में, अच्छा द एक्सपोज फ्रेंचाइज भी लिखे लाया, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छे से देख के समझना पड़ेगा। तो गाइज बस यही था अपना, मतलब मैं रिव्यू जो हमको लगा वो देखा, जो हमको मतलब जो लगा वो, क्योंकि बोलने के बारे में सिर्फ VFX ही था अगर जो एकदम, क्योंकि स्टार्टिंग ही इतनी मतलब सिर्फ स्टील की आवाज से हुई, हालांकि जो दिख रहा है वहां पे ना इसका नॉइस ना कुछ, डायरेक्ट चील का आवाज स्टोरी का, वो समझ में नहीं आया ना मेरे को। अरे कहना क्या चाहते हो, वो थोड़ा कंफ्यूज। चलो ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसे भी टीजर है ट्रेलर में देखते कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी ब्लैकआउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी बाकी और क्या मांगता है वो सजेस्ट करो। बिल्कुल, और ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट।